अंदर से लालटेन है ठीक ना, लेकिन सर पे राम राम है, दिख रहा है ना? राम राम, राम राम तो स्वयं हम लोग हैं। जो कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, अंदर आत्मा लालटेन कर रहा है लेकिन पगड़िया देख रहा है। जय श्री राम। राम तो हम लोग स्वयं, राम राम तो अपने हम। 400 सीट कहाँ से आ जाएगा? जेबी में आ जाएगा, कहाँ से आ जाएगा? सब जनता उसी को है, कुछ नहीं। पगड़िया गुवार के शान है। तो जय श्री राम वाले हैं तो हम तो कहेंगे बीजेपी आनी चाहिए। अब बीजेपी ही आएगी, कहे कि मोदी जी का काम, मोदी जी के टक्कर में अभी कोई दिखाइए नहीं दे रहा है हमको पूरे देश में। अब की बार फिर मोदी सरकार आरजेडी वाला है, लेकिन सनातन धर्मी लोग भी, लोग भी कमल फूल को देंगे तरह तरह वोट। देखिएगा, नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, बिल्कुल नहीं। हम लोग इधर से उधर पलटने वाले नहीं है, ओनली फॉर आरजेडी रहेंगे और रहे हैं और आगे भी रहना हम चाहते हैं बस। अगर मोदी जी आ गए तो कीचड़ कमल में खुलता है भैया, इलेक्ट्रिक आ गया, लालटेन तो गया जी, और कीचड़ कमल में खुलता है ना। कीचड़ तो कमल में ही कीचड़ में ही कमल खिलता है, और देखिए ना इलेक्ट्रिक आ गया, लालटेन तो गया। मोदी जी के टक्कर में देश में लेवल, पूरे देश में लेवल में कोई नहीं। हम लोग मोदी जी को वोट देते हैं, हम सांसद को वोट नहीं देते हैं। सांसद कोई आए हम लोग कमल फूल खिलाते हैं बस। हम मोदी जी को वोट देते हैं, पार्टी सांसद को वोट नहीं देते। नहीं इसको हम नहीं मानते हैं। राम मंदिर है तो वो अपनी जगह पे है ना भाई, और हमारी जनता है तो जनता अपनी जगह पे है। जनता जिसको चाहेगी उसको वोटिंग होगा, उसके जीत। देखिए मेरे इस क्षेत्र में वर्तमान सांसद के द्वारा हमको नहीं लगता है कि विकास का में सुई का नोक भर भी जो है सो कार्य किया गया है। आज तक हमको नहीं लगता है कि कितने बार सांसद यहाँ आए हैं, कभी देखने भी आए हैं, जबकि मुजफ्फरपुर का सबसे पिछड़ा पंचायत और संघर्षशील गांव रहा है, फिर भी गोद लेना होता है तो किसी उन्नत गांव को लेकर के चमकाया हुआ दिखाते हैं कि हम फोटो खिंचवा के आते हैं कि हम। देखिए जनता में जब जॉर्ज साहब जैसा सांसद मुजफ्फरपुर को चाहिए ताकि इस क्षेत्र में विकास हो। आपने देखा है कि एम्स भी दरभंगा चला गया, एयरपोर्ट दरभंगा चला गया, तो चुप रहने वाला सांसद मुजफ्फरपुर के हक के साथ अन्याय है। जिसका मुद्दा जो जनता चाहेगी उसका विजय होगा। नहीं इसको हम नहीं मानते हैं। राम मंदिर है तो वो अपनी जगह पे है ना भाई, और हमारी जनता है तो जनता अपनी जगह पे है। जनता जिसको चाहेगी उसको वोटिंग होगा, उसकी जीत होगी, मगर जिसको भी देंगे अच्छे आदमी को देंगे, यही बात। तो जय श्री राम वाले हैं तो हम तो कहेंगे बीजेपी आनी चाहिए। अब बीजेपी ही आएगी, कहे कि मोदी जी का काम, मोदी जी के टक्कर में अभी कोई दिखाइए नहीं दे रहा है हमको पूरे देश में। ये तो कह रहे हैं कि मोदी जी के टक्कर में कोई नेता नहीं। देखिए यहाँ पर जो है तो सब जनता अपनी अपनी बुरु बुरु है, बस यही बात है, अपनी अपनी बात कर रहे हैं। आरजेडी मोदी जी के टक्कर में देश में लेवल, पूरे देश में लेवल में कोई नहीं। हम लोग मोदी जी को वोट देते हैं, हम सांसद को वोट नहीं देते हैं। सांसद कोई आए हम लोग कमल फूल खिलाते हैं बस। हम मोदी जी को वोट देते हैं, पार्टी सांसद को वोट नहीं देते। होली के समय में कहते हैं, होली आ रहा है और चुनाव भी नजदीक आ रहा है, अगर मोदी जी आ गए तो कीचड़ कमल में खुलता है भैया, इलेक्ट्रिक आ गया, लालटेन तो गया जी, और कीचड़ कमल में खुलता है ना। कीचड़ तो कमल में ही कीचड़ में ही कमल खिलता है, और देखिए ना इलेक्ट्रिक आ गया, लालटेन तो गया। हालांकि 20 मई को किस मुद्दा पे दीजिएगा वोट? नोटा राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर के नाम पर देंगे, बीजेपी को वोट करेंगे। बोल सपोर्ट बोलने वाले तो आज अलग अलग बोलते ही रहते हैं। मैं उससे रू नहीं हूँ, मगर मैं जहाँ हूँ वहाँ ठीक ठाक हूँ। ओनली फॉर आरजेडी, हाँ वही पार्टी को हम शुरू से है और रहेंगे। वो तो कह रहे हैं कि बिजली का समय आ गया, लालटेन खत्म। हम तो ठीक है बीजेपी, लेकिन जनुआ जो है ये आरजेडी लवर है, तो आरजेडी लवर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये लोग ऊपर से आरजेडी वाला है, लेकिन सनातन धर्मी लोग भी कमल फूल को देंगे तरह तरह वोट। देखिएगा, नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, बिल्कुल नहीं। हम लोग इधर से उधर पलटने वाले नहीं है, ओनली फॉर आरजेडी रहेंगे और रहे हैं और आगे भी रहना हम चाहते हैं बस। हम लोग का मुद्दा है जो कोई ललटेने छाप पर वोट हम लोग देंगे। राम नाम तो हम लोग राम नाम है। मोदी अगर राम नाम का उत्थान किया है तो यादवंशियों का उत्थान किया है, राम नाम किया है तो यादवंशियों का उत्थान किया है। मोदी का वो वंशद है वंशी का, वही राम है, वही कृष्ण है, वही राम है। क्या मुद्दा रहेगा?
मुद्दा रहेगा वही मुद्दा रहेगा। हम लोग वही मुद्दा पर देंगे, लालटेन छाप पर देंगे। राजद का पार्टी हम लोग है, राजद में वोट देंगे हम लोग। बिहार में भी हमको राजद का सीट होना चाहिए। लोकसभा चुनाव है तो लोकसभा में भी हम लोग उसी को वोट देंगे, वो भी जाएगा वहाँ। जिस तरह सूर्य एगो है, चंद्रमा एगो है, तेजस्वी यादव को पार्टी सब चल जाए, एगो तेजस्वी यादव सूर्य चंद्रमा के लेखा ठहरा रहेंगे, फिर भी हिला देंगे मोदी सरकार को। राम मंदिर जो बना था कहीं ना कहीं वो असर पड़ेगा, असर पड़ेगा था। जब मोदी सरकार को भी जो वर्चस्व चला है, इसी तरह मोदी सरकार के तरह चला था किसको, बाबर का। अच्छा। बाबर ने राम को दाब दिया, आज मोदी को चला है तो वो खड़ा है। लग रहा है मोदी आ रहा है कि 400 सीट आएगा। 400 सीट कहाँ से आ जाएगा, जेबी में आ जाएगा, कहाँ से आ जाएगा, सब जनता उसी को है, कुछ नहीं लग रहा है। देखिए ये तो बीजेपी आपको लगता है ना, देखिए अंदर से लालटेन है ठीक ना, लेकिन सर पे राम राम है, दिख रहा है ना। राम 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 तो स्वयं हम लोग हैं, जो कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, अंदर आत्मा लालटेन कह रहा है लेकिन पगड़िया देख रहा है जय श्री राम। राम तो हम लोग स्वयं, राम राम तो अपने हम ग्वार के शान है ना, हो पगड़िया ग्वार के शान है, पगड़ी मेरा है ना, ये भगवा का क्या इसमें आ रहा है, लोग लाल उज्जर उज्जर पे लिया बोले 400 पार जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, 400 पार एवरी बार देख, बिल्कुल अब की बार फिर मोदी सरकार।